Marquez, Antoine Lemouquet, Daniel Hirsch, Marcos Narayan Singhi, बिहार सरकार के माननीय मंत्री और जनता दल यू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय सांसद एवं प्रदेश जनता दल यू के पूर्व अध्यक्ष और आज के मंच संचालक श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव संगठन, माननीय सांसद और राज्यसभा संसदीय दल के नेता श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी, माननीय सांसद श्री रामनाथ ठाकुर जी, माननीय मंत्रीगण सब श्री श्याम रंजन जी, अशोक चौधरी जी, श्रवण कुमार जी, संजय झा जी, जय कुमार सिंह जी, महेश्वर हजारी जी, कृष्णेंद्र प्रसाद वर्मा जी, शैलेश कुमार जी, मदन सहरी जी, संतोष कुमार निराला जी, जनाब खुर्शीद फिरोज अहमद साहब, नीरज कुमार जी, लक्ष्मेश्वर राय जी, रामसेवक सिंह जी, श्रीमती बीमा भारती जी, श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, श्री कपिलदेव कामत जी, श्री रमेश सिंहदेव जी, माननीय सांसद मोहतरमा काकसा परवीन जी, माननीय पूर्व सांसद श्री मंगला मंडल जी, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद जनाब अली अशरफ फातमी साहब, माननीय श्री राम रतन सिन्हा जी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, रामगोविंद राय जी, राम बिहारी जी, इस सम्मेलन में उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व विधान पार्षदगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षगण, सभी जिला अध्यक्षगण, सभी प्रखंड अध्यक्षगण, बिहार के सभी बूथों के अध्यक्षगण और सचिवगण, संगठन के सभी प्रभारीगण, सभी जिलों विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारीगण, सभी जनता दल यू के सम्मानित नेतागण, सक्रिय कार्यकर्तागण, मेरे प्रिय साथियों, यहाँ उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहने महिलाएं सब काफी संख्या में आई, छात्र छात्राएं और हमारे युवा वर्ग के लोग, युवतियां भी बहुत संख्या में यहां उपस्थित हुए हैं। पार्टी के जो बूथ स्तर पर अभी पार्टी के द्वारा कमिटी बनाई गई, सभी बूथों के अध्यक्ष और सचिव यहां उपस्थित हुए हैं, पार्टी के अन्य सभी पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक के सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं, सभी सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। मैं आप सब लोगों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मुझे याद है कि आज 1 मार्च 2020 में सम्मेलन हो रहा है, ठीक 5 साल पहले 1 मार्च 2015 को भी गांधी मैदान में ही कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था और जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों न सिर्फ पार्टी के सदस्यता का अभियान और हर स्तर पर कमिटियों के चयन का, अधिकारियों के चयन का काम हुआ, बल्कि जो बूथ स्तर पर अध्यक्ष और सचिव का चयन हुआ है,
मैं उन सब का सबसे पहले अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि आगे चुनाव में सबसे अहम भूमिका उनको निभानी है। और हमारे जितने और साथी सब एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करके अपने काम को बढ़ाएंगे, और जिस तरह से उसके बाद जो कुछ लोगों को ट्रेनिंग देकर के उनको ट्रेनर बनाया गया और ट्रेनर्स के जरिए सारे लोगों को फिर ट्रेनिंग के काम में लगाया गया, और 28 जनवरी को मेरे स्तर पर भी मीटिंग हुई थी, जितने हमारे ट्रेनर हैं, प्रखंड के अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, और ये तय हुआ कि हर जगह हम लोग प्रखंड स्तर पर सारे अपने बूथ के प्रभारियों का, बूथ अध्यक्ष सचिव, सभी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग करेंगे, और वह भी काम 10 दिनों के अंदर फरवरी महीने में पूरा किया गया। हम 22 फरवरी को फिर जितने जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष हैं सबके साथ हमने मीटिंग की और सबके साथ चर्चा की, और 28 जनवरी को ही यह तय हुआ था कि पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन 1 मार्च को फिर गांधी मैदान में हम करेंगे। तो ये सब काम कर रहे हैं। मैं पार्टी के अपने तमाम साथियों को इस बात के लिए विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं। एक दुखद घटना परसों घट गई। हम लोगों के बहुत ही पुराने साथी, प्रिय मित्र, जब से पार्टी समता पार्टी बनी उसके बाद से ही पार्टी में सक्रिय रहे भाई बैद्यनाथ महतो जी, किस तरह से उन्होंने अपने इलाके में जो अपराध होता था, हिंसा होती थी, उसके खिलाफ अभियान चलाया, और खुद भी उनको झेलना पड़ा था, और उसके बाद राजनीति में आए, हम लोगों के साथ रहे, विधायक बने, यहाँ मंत्री बने, फिर सांसद बने, और पुनः इस बार सांसद बने। लेकिन बड़ा दुखद उसको लगा कि परसों कई सप्ताह से एम्स में वो भर्ती थे, इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टरों के सब प्रयास के बावजूद भी वो रह नहीं सके। हम लोगों को बहुत इसके चलते पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ। आज वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से अपने अपने क्षेत्रों में काम किया, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और एक बात हमारे साथीगण यहां कुछ ना कुछ आप सबको बता रहे थे, देख लीजिए, जब से बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया 2015 में 24 नवंबर से, और उसके बाद जो काम हम लोगों ने करना शुरू किया, और ये तीसरा टर्म है हम लोगों ने काम शुरू किया। जब तीसरी बार आए तो हमने 7 निश्चय का ऐलान किया 2015 के अगस्त महीने में, हमने इस बात का